हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपना बेहद ही ख्याल रख रहे होंगे। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल संजीव गोस्वामी में। इसमें हम आज फिर करेंगे सॉल्यूशन टिपिकल अप्रोच टू जनरल इंग्लिश की एक्सरसाइज नंबर 32 और एक्सरसाइज है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की और इसमें यूज करेंगे हम एडवर्ब क्लॉज। आइए शुरू करते हैं। द डॉक्टर केम, डॉक्टर साहब आए। द पेशेंट हैड डाइड और मरीज मर चुका था। सिंपल है, केवल वैन लगाएंगे। तो वैन द डॉक्टर केम कॉमा द पेशेंट हैड डाइड, बाकी सारा सेंटेंस एज इट इज रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। यू वॉन्ट टू पास, आप पास होना चाहते हैं। यू मस्ट वर्क हार्ड, आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए। केवल एक इफ लगाएंगे, इफ, बाकी दोनों सेंटेंस एज इट इज उतारेंगे, बीच में केवल कॉमा यूज करेंगे। नेक्स्ट, I tell you, मैं आपसे कहता हूं, do in this way, इस तरह से काम कीजिए या कुछ भी करिए। तो do in this way as I tell you, इस तरह कार्य करिए जैसा मैं आपसे कहता हूं। Next, the rain stops, वर्षा रुकती है। At once, तुरंत, I shall go out, मैं बाहर जाऊंगा। तो बाद वाला सेंटेंस पहले आ जाएगा, I shall go out when the rain stops। Clear? Next है, he worked hard, वो परिश्रम किया, उसने कठिन परिश्रम किया, ही पास, वो पास हुआ। तो यहां रीजन क्लियर हो रहा है, तो ही पास पहले आ गया बिकॉज ही वर्क हार्ड, वो पास हुआ क्योंकि उसने कठिन परिश्रम किया। इसमें हमने बिकॉज कंजंक्शन का यूज किया और दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया। ओके, नंबर सिक्स देखेंगे। ही कुड नॉट रन अ माइल, वो एक भी नहीं दौड़ सका। ही स्टॉप्ड, वह रुक गया। तो ही स्टॉप, वो रुक गया क्योंकि बिकॉज ही कुड नॉट रन अ माइल, वो नहीं दौड़ सका। डोंट वर्क डे एंड नाइट, दिन रात काम मत करिए, यू विल फॉल इन, आप बीमार पड़ जाएंगे। इफ लगाएं, इफ यू वर्क, डू नॉट हटा देंगे, बाकी सारा सेम, केवल कॉमा लेंगे। ही जिल, वो बीमार है। ही कैन नॉट प्ले, वो नहीं खेल सकता। तो ही कैन नॉट प्ले पहले, बिकॉज ही इज इन बाद में। नेक्स्ट, ही ग्रू वीकर एंड वीकर, वह कमजोर से कमजोर तर होता गया। ही डाइड, वो मर गया। तो ही डाइड पहले क्योंकि बिकॉज ही ग्रू वीकर एंड वीकर, इसलिए वो मर गया। द गर्ल इज वेरी वीक, शी कैन नॉट वॉक, लड़की बहुत कमजोर है, वो नहीं चल सकती। तो बिकॉज लगाएंगे, द गर्ल कैन नॉट वॉक बिकॉज शी इज वेरी वीक। ओके, नंबर 11 देखेंगे। यू आर क्लेवर, तुम चतुर हो। योर सिस्टर इज इक्वली क्लेवर, और तुम्हारी सिस्टर भी उतनी ही चतुर है। तो यू आर एज क्लेवर एज योर सिस्टर इज, नंबर 11 देखेंगे। यू आर क्लेवर, आप चतुर हैं। योर सिस्टर इज इक्वली क्लेवर, आपकी सिस्टर उतनी ही चतुर हैं। तो यू आर एज क्लेवर, आप उतने ही चतुर हैं एज योर सिस्टर इज, जितनी आपकी बहन। यू डू नॉट वर्क रेगुलरली, आप निरंतर काम नहीं करते हैं। यू विल फेल, आप असफल हो जाएंगे। केवल इफ लगाएंगे, सबसे सिंपल है, बाकी दोनों सेंटेंस एज इट इज उतारेंगे, बीच में कॉमा जरूर लेंगे। She is 80 years old, she is strong. Simple, दो यद्यपि कंट्रास्ट है, वो 80 की हैं, कॉमा लगाएंगे, वो तंदुरुस्त हैं, स्वस्थ हैं। मोहन वॉक्स वेरी कॉशियसली, मोहन बड़े सावधानी से चलता है। ही डज नॉट विश टू स्टम्बल, वो लड़फड़ाना नहीं चाहता। तो इसमें पर्पज है, तो मोहन वॉक्स वेरी कॉशियसली सो दैट, जिससे कि ही मे नॉट स्टम्बल, वो लड़फड़ा ना जाए। लास्ट है, ही फाउंड आउट हिज मिस्टेक, उसे अपनी गलती पता चली, खोजी उसने। देन ही वाज वेरी सॉरी, देन बताएगा इसमें वैन लगेगा। तो वैन ही फाउंड आउट हिज मिस्टेक, कॉमा देन हटाएंगे, बाकी सेंटेंस को एज इट इज उतारेंगे कॉमा के साथ। सो फ्रेंड्स, आपको कैसे लगी एक एक्सरसाइजेज जो हमने की, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंसेज और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, कैसे लगा? सो फ्रेंड, कैसा लगा आपको सेंटेंसेज? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड्स को, अपने ग्रुप्स में, और सब्सक्राइब आपने कर लिया है, नहीं किया तो अभी करिए। आपका मोस्ट फेवरेट एजुकेशनल चैनल संजीव गोस्वामी, धन्यवाद।